हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये सब कुछ। ये सारा हॉल वीडियो है जो कि मैंने लास्ट मंथ ही शॉपिंग करी थी। ये सब कुछ मिला के मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, तभी आपको ये इतना कुछ दिख रहा है। मैंने एक ही बार में शॉपिंग नहीं की है, मैंने अमेज़ॉन इंस्टाग्राम से शॉपिंग करी है और मैंने अपने लोकल स्टोर से भी शॉपिंग करी है, लोकल मार्केट से भी शॉपिंग करी है। तो मैंने सब इन सब का एक ही वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है, तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और इन सब की प्राइसेस आपको स्क्रीन पर भी दिखेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिखेगी। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट विद द अमेज़ॉन शॉपिंग। तो मैंने अमेज़ॉन से ये सेटाफिल का जेंटल स्किन क्लींजर लिया है, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और इसे मैं लास्ट ईयर से इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे इसकी प्राइस आपको स्क्रीन पर भी दिख गई है और MRP भी दिख गई है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है जोवीज़ की नाइट क्रीम। ये मैं लास्ट ईयर से इस्तेमाल इसे भी कर रही हूँ। वैसे इसकी प्राइस है ऑलमोस्ट 200 और 250, और मुझे ये मिला है 194 रुपीज़ का अमेज़ॉन से। मैं आपको ये बता दूँ, अमेज़ॉन से जो भी मुझे प्राइसेस मैं दिखा रही हूँ वो सारे ही एक्सक्लूड हैं शिपिंग से, तो शिपिंग चार्जेस मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है। और ये ड्राई स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छी क्रीम है। मेरी ड्राई स्किन है पर्सनली, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इस नाइट क्रीम को ज़रूर ट्राई करें। काफ़ी थिक है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है और विद इन अ सेकेंड ऑब्जॉर्ब हो जाती है आपकी स्किन में। सो मैं आपको यहाँ पे अपने हैंड पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। नेक्स्ट मैंने ये मंगाया था पूना स्टोर का ओवल ब्रश सेट है। इसमें 4 ब्रश सेट हैं पूरे और ये 899 का आप देख सकते हैं MRP। और क्या मुझे ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिला है, लाइक 380 रुपीज़ में। अगेन इसमें शिपिंग चार्जेस इंक्लूड नहीं हैं। तो अगर आप अमेज़ॉन प्राइम से मंगाएंगे तो आपको सब कुछ सारे ही प्रोडक्ट पे आपको शिपिंग चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 599 रुपीज़ का मंगा रहे हैं, तो मैंने सब कुछ मंगाया था इकट्ठा, तो मुझे शिपिंग चार्जेस इसके नहीं देने पड़े थे। बट कुछ आइटम के होते हैं शिपिंग चार्जेस में प्लस करके 55 या 70 रुपीज़ वो इंक्लूड कर देते हैं। उसके बाद मैंने ये मंगाया था हेयर ब्लो ड्रायर के लिए, अपने हेयर को ब्लो ड्राई करने के लिए। ये है रूट्स का प्रोफेशनल हेयर कॉम्ब है ये, और ये इसकी प्राइस है ऑलमोस्ट 500, बट मुझे ये मिला है 370 रुपीज़ का। मैंने सबसे बड़ा साइज़ इसलिए लिया है क्योंकि इसे ना, जो जितने भी आपके पतले बाल हैं, अगर मेरी तरीके से पतले बहुत थिन हैं, तो आपको अगर बाउंस देना है, वॉल्यूम देना है, तो आप सबसे बड़ा साइज़ लें। ये 58 mm का है। आप इसके 3 साइज़ आते हैं, आप इसे छोटा या मीडियम या स्मॉल साइज़ भी ले सकते हैं इसका, और काफ़ी हैंडी है। इसके बाद नेक्स्ट है, मैंने लिया है ये सेल्फी स्ट्रेटनर, और ये मेरा फेवरेट स्ट्रेटनर अब तक बन चुका है बिकॉज ऑफ बहुत ही अफोर्डेबल है। सेरामिक की कोटिंग है और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल। अगर आप कॉलेज गोइंग है, ऑफिस वर्किंग है और आप डेली के लिए कोई स्ट्रेटनर चाहती है ना, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी। वैसे तो इसकी प्राइस अराउंड 1300 है, बट ये आपको अमेज़ॉन पे आराम से 1100 के करीब करीब मिल जाएगा। मुझे ये 1174 रुपये का मिला था उस टाइम, और अब इस टाइम, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इस टाइम ये और भी सस्ता हो गया है, लगभग 1112 रुपये में ऐसे कुछ। तो आप ले सकते हैं, ये आप देख सकते हैं काफ़ी हैंडी है और क्विकली ये हीटअप हो जाता है, आपको बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा इसका। तो जल्दी जल्दी में है तो आप कर सकती हैं अपने हेयर को स्ट्रेट, और इसे हेयर स्ट्रेट करेंगे ना तो आप 3-4 घंटे आराम से रहेंगे। इसके बाद मैंने ये अमेज़ॉन की शॉपिंग तो हो गई, अब मैंने ये लिया था इंस्टाग्राम की शॉपिंग से, शॉपिंग करी थी इंस्टाग्राम से। आई एम रियली सॉरी कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये है मिस क्लेयर की डार्क ब्राउन शेड है आईब्रो पेंसिल, और इसकी प्राइस है 80 रुपीज़। एज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद है ये लग्जरी बनाना पाउडर। ये मैंने लास्ट मंथ ये सब खरीदा था और इसको मैंने कई ट्यूटोरियल में यूज़ भी किया है। इसके 2 वेरिएंट आते हैं, 1 और 2। 1 आता है सबसे छोटा और 2 होता है सबसे बड़ा। ये आई थिंक मैंने 180 रुपीज़ का लिया था, मुझे प्राइस एग्जैक्ट नहीं याद है। तो या और इसमें आपको प्रोडक्ट में मतलब एक्सपायरी डेट भी मिल जाती है। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स भी आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे, इंग्रेडिएंट्स भी सारे के सारे मौजूद हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो जो कि बेस्ट है। इसके बाद मैंने लिया था ये ओलिविया का फाउंडेशन। ओ माय गॉड, इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, बट मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, मैंने अपना शेड गलत मंगा लिया, या मुझसे शेड गलत हो गया 3rd नंबर। बट कोई नहीं, मैं इसका फुल रिव्यू ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। ये सिर्फ 100 रुपीज़ का है, कवरेज काफ़ी अच्छी है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए।
इसके बाद मैंने सेम इसी ओलिविया का फाउंडेशन लिया था, तो मैंने शेड सेम शेड का ही मैंने ले लिया, सेकंड नंबर ले लिया मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर, ये भी 100 रुपीज़ का है, बहुत ही अच्छा है, बट थोड़ा सा पाउडरी है ये चीज़, लेकिन इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ शो करके। और इसकी पैकेजिंग तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगी, इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी प्लास्टिक इसकी थोड़ी सी ख़राब है, बट मतलब कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पैकेज का जो पैकिंग है इसकी डार्क पर्पल कलर। और आपको मैं आपको यहाँ पर अभी दोबारा मैं ये आपको स्वैच करके दिखा सकती हूँ, आप देख रहे हैं अभी कितना पिगमेंट है इसमें, तो यू नो आप खाली भी अगर ये लगा लेंगे ना कॉम्पैक्ट पाउडर तो आप बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद मैंने ये लिया था ऑडबो का हार्ट हाइलाइटर स्वीट हार्ट, जो कि ड्यूप है टू फेस्ड का और मेकअप रेगुलेशन का, आई थिंक ये 450 रुपीज़ का मैंने लिया था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट प्राइस, बट जो भी होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि अभी जहाँ से मैंने ये लिया है उसकी वेबसाइट पे थोड़ा काम चल रहा है और ये बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है कि मैंने कितने का लिया था, मुझे याद भी नहीं है। और आप देख सकते हैं कितना पिगमेंटेशन है, ये जो वाइट वाला कलर आप देख रहे हैं ना ये टच हो जाता है और गोल्डन में तब्दील हो जाता है, लाइक चेंज हो जाता है। इसके बाद मैंने ये लिया था मार्स का मैट आई शेडो पैलेट, ये है 285 रुपीज़ का, इसका प्राइस मुझे याद है क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये और अंडर 300 रुपीज़ में। तो ये मार्स का आई शेडो पैलेट है और मैट और शिमर दोनों ही तरीके के आपको इसमें आई शेडो मिलेंगे। और आप ये येलो शेड देख रहे हैं ना, मुझे ये येलो शेड पता नहीं क्यों इतना पसंद आ रहा है, मतलब पॉप होके हो रहा है, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले इसी को स्वैच करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये है आई थिंक ये ग्रीन है, टील ग्रीन कलर जिसको बोलते हैं, और ये है ब्लैक कलर। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, तब भी ये कलर कितने ज़्यादा आपको दिख रहे होंगे कायदे से, यहाँ पे लाइटिंग कितनी दिक्कत है तब भी। और इसके बाद मैंने ये लिया था सेम उसी वेबसाइट से, शेड नंबर 60 है फैशन कलर की, ये है पिंक कलर, थोड़ी सी पर्पल अंडरटोन में है जब आप इसको स्वैच करेंगे, तो ये 90 रुपीज़ की मैंने ली थी, आपको मैं यहाँ पे स्वैच करके दिखा दे रही हूँ। मैंने इसमें आपको इस पूरे हॉल में आपको बहुत सारी लिपस्टिक दिखाने वाली हूँ, और अगर आपको उन लिपस्टिक का लिप स्वैच देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे ज़रूर इन सब लिपस्टिक की लिप स्वैच ज़रूर दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट मैंने ये ली थी किस प्रूफ की लिपस्टिक थी, ये है शेड नंबर 2 आई थिंक, और ये मैंने दो तीन शेड लिए हैं इसके, और जितने भी शेड्स हैं सारे के सारे 109 रुपीज़ के हैं ईच। और आप देख सकते हैं बहुत ही ब्राइट फ्यूशिया कलर है, मुझे नहीं पता ये हैंड पे इतना फ्यूशिया कलर क्यों नहीं आ रहा, बट लिटरली ये लिप्स पे इतना ज़बरदस्त आता है ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही ज़बरदस्त आता है। मैं तो उसे अगर वेडिंग पार्टीज़ हो ना तो उसमें लगा के चले जाओ तो मतलब मज़ा ही आ जाना है, तो सब मुड़ मुड़ के आप ही को देखेंगे। इसके बाद ये है शेड नंबर 16 अगेन, अब प्रिटी पिंक कलर, और थोड़ा सा लाइट है शेड नंबर 2 से, बट बहुत ही ज़बरदस्त कलर है। कुछ कुछ जो मैंने किस उसकी ली थी फैशन कलर की आपको अभी दिखाई स्वैच, थोड़ा थोड़ा वैसा ही है मिक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर। और ये है इसका स्वैच, आप देख सकते हैं कितना प्रिटी कलर है, मतलब एवरीडे पर्पज़ पे ऑफिस जाती हैं आप काम करने तो यू नो आप ये कैरी कर सकते हो। इसके बाद मैंने मिस क्लेयर की शेड ली थी 05, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे वेट करना पड़ता है शेड के लिए, बहुत आउट ऑफ स्टॉक थी उस वेबसाइट पे, ये मैंने ली थी 212 रुपये की, बट मैंने मिस क्लेयर की दूसरे कलर्स भी लिए हैं, वो मैंने पहले लिए थे तो वो 230 के थे, उसके बाद डिस्काउंट हो गया था तो मैंने ये जब ली तो ये डिस्काउंट में मिली थी मुझे 212 रुपये की, तो मैं आपको आगे वो शेड्स भी दिखाऊंगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शेड, मुझे नहीं पता कि ये कैमरे में इतना सिमिलर शेड्स क्यों आ रहे हैं मेरे हैंड पे, बट लिटरली ये शेड्स सारे के सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और मैं आपको लिप स्वैच ज़रूर दिखाऊंगी, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, मैं आपको वहाँ पे लिप स्वैच ज़रूर दिखाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट मैंने ये दो शेड लिए थे, आई थिंक ये है एक शेड है 30 और एक है शेड 39, आप देख सकते हैं शेड 30 कितना डार्क लग रहा है, बट मैं जैसे इसका स्वैच करूँगी ना तो ये आपको लाइट लगने लगेगा, मुझे नहीं पता क्यों, मुझे नहीं पता सर, सीरियसली मुझे नहीं पता, बट ये लिप्स पर लिटरली डार्क कलर आता है, मुझे नहीं पता कैमरा क्यों नहीं पिक कर रहा है ये कलर, शायद लाइटिंग की दिक्कत है इस वजह से नहीं पिक कर रहा होगा। तो मैं आपको यहाँ पे फिर भी हैंड स्वैच दिखाने वाली हूँ कि आपको एक आइडिया लग जाए कि शेड नंबर 30 मिस क्लेयर में कैसा है। मुझे शेड 30 बहुत पसंद आया, ऑलमोस्ट मुझे सारे ही शेड खैर पसंद आए, और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ मैंने इंस्टाग्राम से शॉपिंग करी, वेबसाइट से शॉपिंग करी, वो वेबसाइट है कफ्स एंड लैशेज़ की,
और उसकी लिंक अगर आप बोलो तो, वैसे सभी को पता होगा कि कफ्स एंड लैशेस की एक वेबसाइट है और बहुत से लोगों ने उससे शॉपिंग भी करी होगी, तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का मतलब ही नहीं बनता, बट फिर भी मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक। और वहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ें मिलती हैं और कैश ऑन डिलीवरी मिलती है, इसलिए मैंने वहाँ से मंगाया था। COD थी वहाँ पर अवेलेबल इस वजह से, और काफ़ी 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 अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स उनकी वेबसाइट पर हैं, तो आप ज़रूर जाएं और चेक करें, आपको ज़रूर पसंद आएंगे वो प्रोडक्ट्स। आप देख सकते हैं ये शेड नंबर आई थिंक 39, कितने प्रीटी पिंक कलर हैं सारे के सारे, मतलब मेरे पास तो मतलब मैं पिंक कलर कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपको लिप स्वॉचेस देखने हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, मैं वहाँ पर आपको लिप स्वॉच ज़रूर दिखाऊंगी। इसके बाद मैंने ली थी ये ब्लू हेवन की USD स्टिक, मेकअप स्टिक है ये, और इसकी प्राइस है 125 रुपीज़, MRP भी इसकी 125 रुपीज़ है। आई थिंक मुझे भी ये 125 रुपीज़ का मिला था, मेरा शेड है 03 और मैं इसमें बहुत खुश हूँ कि मैंने बहुत ही अपनी शेड स्किन शेड से बहुत ही सिमिलर शेड ऑर्डर किया है, क्योंकि ऑनलाइन फाउंडेशन या कंसीलर ऑर्डर करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। और आप देख सकते हैं मैंने ओलिविया में एक गलती कर दी, मैंने 03 मंगा लिया, बिग मिस्टेक। तो ये है 03 नेचुरल, और इसकी पैकेजिंग मुझे लिटरली बहुत पसंद आई, एकदम लिपस्टिक की तरीके से पैकेजिंग है और काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है इसकी। और जो ये मेकअप स्टिक है ना, ये मेकअप स्टिक भी बहुत अच्छा है, इसको मैं आपको हैंड पे आपको दिखा रही हूँ, मेरे हैंड पे इस वक्त कुछ भी नहीं है, और ये मैंने लगाई, एक स्वैप किया है खाली, मैंने सिर्फ एक स्वैप, ओके मैंने दो कर दिए अब। तो अब आप देख सकते हैं मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ पैटिंग मोशन में, मैं इसको रब नहीं कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये ब्लेंड हो गया और मतलब बिल्कुल स्किन से मिक्स हो गया एकदम, लग ही नहीं रहा मैंने कुछ लगाया है, बट अच्छा सा एक कवर आ जाएगा। नेक्स्ट है ये मैंने लिया है इन कलर का बेकिंग हाइलाइटर, वैसे तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में इसमें ब्लशर लिखा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ये है हाइलाइटर, बेकिंग हाइलाइटर, इसमें मेरा शेड है हाई पीम, काफ़ी बढ़िया हाइलाइटर है ये और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप लोगों ने मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा अफोर्डेबल हाइलाइटर बताइए, अफोर्डेबल हाइलाइटर का वीडियो बनाइए, तो ये है वो अफोर्डेबल हाइलाइटर, 299 रुपीज़ यानी अराउंड 300 रुपीज़ में आपको इससे अच्छा और इससे सस्ता हाइलाइटर नहीं मिल सकता, आई डोंट थिंक सो, अगर मिला हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं भी वो ख़रीद लूँ यार। तो ये है वो कलर, अगेन ये थोड़ा सा वाइट दिख रहा है और वाइट के साथ गोल्डन इसमें शिमर हैं, शिमरी कुछ ज़्यादा ही है, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट इसके जो पैकेजिंग पर आ गया है, मैंने एक दोबारा से लगाया भी है, आप देख सकते हैं कितना पिगमेंटेशन है, मैं आपको इसको स्वैच करके दिखाती हूँ, सुपर सुपर पिगमेंटेशन, और अगर आप इसको ब्लेंड कर दोगे ना तब भी मतलब जो इसकी शाइन है वो कम नहीं होने वाली, ये लाइट ऑफ करके और वो लाइट ऑन करके, सारे ही मैंने आपको हर तरीके से आपको मतलब मैं स्वैचेस दिखा रही हूँ। इसके बाद मैंने ये लिया था ज्वेलरी पीसेस, ये है ब्रेसलेट है ये, और ये सिर्फ 10 रुपये का था, मैंने लोकल मार्केट से ही ख़रीदा था अपनी शॉप से, और ये मैंने अपनी भांजी के लिए एक्चुअली ख़रीदा था, छोटी सी है वो 6 ईयर की, और ये है ब्रेसलेट अगेन, ये है मात्र 35 रुपये का, लाइक 35 रुपीज़ का, कैन बिलीव इट 35 रुपीज़ में इतना प्यारा ब्रेसलेट, और ये किसी भी साइज़ पे जाएगा, मतलब आपका साइज़ बड़ा भी होना तब भी चला जाएगा उसमें। ओके तो ये है कंडीशनर, इसके मैं प्राइसेस आपको नहीं बता रही क्योंकि आप शैम्पू कंडीशनर और ये जो बॉडी लोशन इन सब के आप प्राइसेस देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने ये लिया लैक्मे का मैक्सिमम मॉइस्चराइजर विंटर इंटेंस, और इसकी प्राइस है आई डोंट नो इसकी MRP कितनी है, और ये काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम मॉइस्चराइजर जिसका इसका नाम है वैसे ही ये काम करता है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा मॉइस्चराइजर है ये, और इसकी प्राइस है 150 रुपीज़ और ये मुझे 110 रुपये का मिला है। इसके बाद मैंने लिया है निविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइजर और इसकी प्राइस है 36 रुपीज़। इसके बाद मैंने ये जॉय का भी लिया है थोड़ा ट्राई करने के लिए, इसलिए मैंने छोटा वाला लिया है, आई थिंक ये 5 रुपीज़ का है। और इसके बाद मैंने ये लिया परफेक्ट टच बोरो प्लस का, ये मैंने 10 रुपये का लिया है वैसे, और मैंने ये से इसलिए लिया ताकि मैं इसे अपने कैरी बैग में डाल सकूँ और ताकि मैं इसे अपने साथ हर जगह कैरी कर सकूँ और कभी भी मुझे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत हो तो मैं इसे लगा सकूँ। इसके बाद मैंने लिया निविया लिप केयर के ये तीनों लिप बाम जिसमें है एप्पल ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी, 25 रुपीज़ का ईच है, यानी एक है 25 रुपये का और आई थिंक मैंने इसके उस 50-75 रुपये कुछ दिए हैं।
इसके बाद मैंने ये हिमालय का लिप बाम लिया है जो कि ये 30 रुपीज़ का 25 रुपीज़ का मुझे मिला है। इसके बाद मैंने ये लिया है वाइटमिन ई की कैप्सूल्स जो कि 5 रुपये की मिली हैं 2 कैप्सूल्स। इसके बाद मैंने ये लिया है ADS का मस्कारा 2-in-1 मस्कारा एंड आईलाइनर, ये 120 रुपीज़ का मुझे बताया था बट मैंने 100 रुपीज़ का लिया है। और इसका जो मस्कारा है, अगर आप 50 रुपये का मस्कारा और 50 रुपये का आईलाइनर भी लगा लो तो मस्कारा इसका ऑसम है। ब्लू हेवन के मस्कारे से तो काफ़ी ऑसम है, बहुत अच्छा कर्ल करता है, अच्छे से कर्ल करता है और अच्छे से आपकी जो लैशेज को थोड़ा सा लेंथनिंग इफेक्ट भी देता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, अ लिटिल बिट, बट कर्ल करता है ना तो मुझे अच्छा लगे कि मेरी जो लैशेज़ हैं पहले से थोड़ी सी बड़ी हैं मैं कह सकती हूँ। और ये रहा इसका आईलाइनर जो कि जेट ब्लैक है, आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा वाटरप्रूफ भी है, स्मच प्रूफ भी है और वाटरप्रूफ भी है। इसके बाद मैंने ये ली थी मीट मैट किस ब्यूटी की थी जो कि ड्यूप है ये मीट मैट का, और ये 100 रुपीज़ की ईच है। और ये मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी, स्किप पिक, अगर आप लोगों से कोई फॉलो करता है तो आपको पता होगा मैंने स्किप की थी। ओके, तो ये है एक रेड कलर और सेकेंड वन है पीचिश पिंक कलर, थोड़ा सा पिंक कलर है, शेड नंबर भी इसमें दिए हुए हैं 08 है शेड इसका नंबर, और आप देख सकते हैं पिंक कलर है, काफ़ी प्रिटी पिंक कलर है। तो यहाँ पे मेरा ये हॉल होता है एंड आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन सब्सक्राइब, एंड टिल देन टेक केयर, बाय गाइज़।